brought to you by Techno Camon 30 series. क्या दिल्ली में बीजेपी को साल 2019 के मुकाबले नुकसान होगा? क्या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कमाल दिल्ली में दिखा पाएगा? ये तो 4 जून के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन 4 जून से पहले जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इस बीच ABPC वोटर का दिल्ली को लेकर जो एग्जिट पोल आया है वो केजरीवाल को खुश कर देने वाला है। जी हाँ, बता दें कि ABPC वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान, वो भी इंडिया गठबंधन में ABPC वोटर का ये सर्वे, ये एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को सारी की सारी 1 से 3 सीटें दे रहा है। तो यानी अगर ABPC वोटर के एग्जिट पोल की माने तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दिल्ली के लोकसभा इतिहास में पहली बार खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ABPC वोटर का ये एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की खबर होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ABPC वोटर का ये एग्जिट पोल झटका साबित होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अपना परचम लहराया था। हालांकि इस बार पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो इस एग्जिट पोल में भी साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को ABPC वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि यह महज एक अनुमान है, फाइनल नतीजे 4 जून को ही आएंगे, तभी ये फाइनल तस्वीर सामने आएगी कि दिल्ली में बीजेपी को वाकई इंडिया गठबंधन के बनने के बाद नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कमाल करके बीजेपी को कितनी सीटों पर हरा पाएगा। ये सब तस्वीर 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।